हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है मनोज। दोस्तों स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल, जिसका नाम है मनोज वीडियो मिक्सिंग पॉइंट। तो दोस्तों मैंने आज अपने लिए एक पीसी बिल्ड किया है। जो मैंने पीसी बिल्ड किया उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा कि मैंने क्या क्या कंपोनेंट लिया है। अब बहुत सारे भाइयों का सवाल भी है जिसका जवाब मैं आपको दूंगा। तो दोस्तों मैंने 12th जनरेशन के 12600 के प्रोसेसर लिया है, जो कि आप मेरे हाथ में देख सकते हो, और इसका प्राइस भी बताऊंगा साथ साथ में। ये मुझे मिला है 26300 रुपए का। अभी प्रोसेसर का प्राइस महंगा है। दूसरा कंपोनेंट दोस्तों मैंने एक कोर्सेयर लिया है, कोर्सेयर का रैम 16 GB, क्योंकि ये DDR5 में 16 GB से नीचे आता नहीं है। और इसका कीमत पड़ा है मुझे दोस्तों 10,000 रुपये, पूरा 10,000 रुपये दोस्तों। और ये 5200 MHz का रैम है, 5200 MHz। आप यहाँ पर देखोगे तो शायद आपको पता चल भी जाएगा। और तीसरा कंपोनेंट जो कि इस पीसी बिल्ड में सबसे ज़्यादा महंगा है, वो ये है दोस्तों, ये मेरा मदरबोर्ड Z690 Aorus Pro। ये मदरबोर्ड दोस्तों मुझे पड़ा है 33,200 रुपये का। ये मदरबोर्ड दोस्तों मुझे पड़ा है। ये मदरबोर्ड दोस्तों बहुत ही अच्छा है, Gen 4 को भी सपोर्ट करता है। जैसे कि मैंने अभी सुना है कि 1700 सॉकेट पे ही इंटेल का 13th generation का प्रोसेसर लॉन्च होगा, तो उस प्रोसेसर को भी ये मदरबोर्ड चला सकता है। ये मदरबोर्ड इतना पावरफुल है दोस्तों कि ये मदरबोर्ड आपका i5, i7, i9 किसी भी प्रोसेसर को आप लगा सकते हो, आप यूज कर सकते हो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। चौथा कंपोनेंट दोस्तों जो कि मुझे लगता है कि इस प्रोसेसर के लिए काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, तो अभी आप ये देख सकते हो, Aorus का ही 360mm का वाटर लिक्विड है। इसके अंदर में 120mm के 3 पंखा आपको लगाना पड़ेगा। और ये दोस्तों मुझे पड़ा है 9,500 रुपये का। और पांचवी सबसे जरूरी चीज है दोस्तों, आप देख सकते हो Corsair का CX750M, तो ये मॉडलर पे आ जाता है। और ये मुझे मिला है दोस्तों 7,500 रुपये का। पावर सप्लाई, प्रोसेसर दोस्तों, मदरबोर्ड, प्रोसेसर, पावर सप्लाई और रैम और कूलर, ये सारे सामान मैंने लिया है। और सबसे जरूरी बात है दोस्तों, जो इसके अंदर में मैंने SSD लगाया है वो सैमसंग का 980 लगाया है, 980 प्रो SSD, वो थोड़ी सी महंगा आता है। मैंने जो 500 GB का लगाया वो मुझे पड़ा है जी 6700 रुपये का प्रो, वो बहुत ही फास्ट है, Gen 4 SSD है। और इसके अंदर में दोस्तों कैबिनेट जो मैंने लगाया है, जो कि आप देख सकते हो मेरा ये रहा मशीन, इसके अंदर में मैंने लगाया है कूलर मास्टर का MB511 ARGB कैबिनेट। ओके, इन सब का कोस्ट मिला के पड़ा है मुझे 92,417 रुपये मुझे पड़ा है टोटल में, जबकि मैं आपको अभी असम्बल करके दिखाऊंगा और इस पीसी का लुक भी आपको दिखाऊंगा, चाहे वो EDS हो चाहे वो प्रीमियर हो, उस पर ये वर्किंग कैसे करता है वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों आप देखते हैं असेंबल का वीडियो कि हमने कैसे अपने पीसी को बनाया है और उसका परफॉर्मेंस कैसा है।
ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों ने देख लिया होगा मैंने कैसे अपने पीसी को असेंबल किया है। सबसे जरूरी बात है दोस्तों, जिन भाइयों को डेटा वगैरह चाहिए, मेरे पास में सभी प्रकार के डेटा है, चाहे वो ईडीएस को, चाहे वो प्रीमियर को, चाहे वो आफ्टर इफेक्ट को, चाहे वो फोटोशॉप, सारे डेटा है मेरे पास। वो भी जिनको चाहिए वो मुझे कॉल कर सकते हो या फिर मेरे व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हो। अब आते हैं जी दोस्तों, कुछ भाई मुझे कमेंट किया है, एक भाई कमेंट करता है, उसका नाम है शब्देश, कि मनोज भैया आप प्रीमियर प्रो के इफेक्ट बनाए हो। जी हाँ भैया जी, मैं प्रीमियर प्रो का इफेक्ट बनाया हूँ, बहुत सारे इफेक्ट बनाया हूँ, बहुत सारे इफेक्ट मैंने फ्री भी डाला था। एक भाई कमेंट करता है गुड्डू कि मनोज सर आप जो है ईडीएस के एक्सपोर्टिंग के बारे में मास्किंग लेआउटर का ट्यूटोरियल बना के अपलोड करो। तो गुड्डू भैया जी, मैंने इन सब का वीडियो ऑलरेडी 2017 में बना रखा है, जिनमें कि टेक्स्ट स्क्रोलिंग है, एक्सपोर्टिंग है, बैच एक्सपोर्टिंग है, मास्क है, मास्क के प्रीसेट कैसे सेव करोगे, इन सारे के ट्यूटोरियल मैं 2017 में ही बना के अपलोड कर दिया है। अगर आप लोग देखोगे तो वो एक ही वीडियो में आपको सीख मिल जाएगा। जब मैं कभी वीडियो बनाता हूँ तो एक किसी एक ही टॉपिक पर नहीं बनाता हूँ। अगर मैं लेआउटर के ऊपर वीडियो बनाऊंगा तो लेआउटर के अंदर में मास्किंग कैसे करूंगा, मास्किंग करने के अंदर में जो है वहाँ पे जो है मिरर इफेक्ट कैसे यूज कर सकते हैं, एक वीडियो को दो वीडियो में कैसे बना सकते हो, ये सारे के ट्यूटोरियल मैं एक ही में कलम बना रखा हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर जाओगे तो आपको सारे ट्यूटोरियल मिल जाएगा। कि प्रीमियर प्रो के लिए कंप्यूटर कौन सा ले और ईडीएस के लिए ग्राफिक कार्ड कौन सा यूज करें, तो सिंपल और बहुत अच्छी जानकारी दे रहा हूँ। अगर आपका मशीन i5 8th generation से ऊपर का है और आप सिर्फ डेटा यूज करते हो, कॉपी पेस्ट करते हो और काम खत्म, तो आपके लिए ग्राफिक कार्ड की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इंटेल प्रोसेसर के अंदर में खुद का ग्राफिक होता है, वो इतना पावरफुल होता है कि आपका वो सारे काम कर देगा। हाँ, अगर आप मैनुअल एडिट करते हो और आप कलर ग्रेडिंग अच्छा करते हो तब आपको ग्राफिक कार्ड चाहिए ही चाहिए। दूसरी बात प्रीमियर प्रो के लिए, तो दोस्तों प्रीमियर प्रो के लिए ग्राफिक कार्ड जरूरी है। और आज के दौर में कोई भी भाई कंप्यूटर बनाना तो कम से कम i5 8th generation से ऊपर का ही कंप्यूटर बनाना, इससे नीचे का मत बनाना, कोई भी फायदे नहीं होगा। एक भाई कहते हैं कि के सीरीज में और नॉन के सीरीज में क्या फर्क है, तो मेरे भैया जी के सीरीज को आप मैनुअली ओवरक्लॉक कर सकती हो, और विदाउट के सीरीज का जो प्रोसेसर होता है जिसको हम नॉर्मल प्रोसेसर भी बोलते हैं वो ऑलरेडी टर्बो लिखा रहता है। जब आप इंटेल के वेबसाइट पे जाओगे और किसी भी प्रोसेसर के बारे में आप लिखोगे, जैसे कि मान लीजिए 11500 प्रोसेसर आपने लिखा, तो उसके जो नीचे में जाओगे डिटेल्स में तो आपको वहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा टर्बो TURBO टर्बो फ्रीक्वेंसी, बेस फ्रीक्वेंसी जैसे 3.2 रहेगा चाहे 3.5 रहेगा, तो टर्बो फ्रीक्वेंसी वहाँ पे ऑलरेडी लिखा गया 4.7 GHz। तो ऑलरेडी अगर आपका प्रोसेसर जो है 4.7 GHz तक पहुँच रहा है तो क्या जरूरत है आपको के सीरीज का प्रोसेसर लेने के लिए। के सीरीज का प्रोसेसर मैनुअल ओवरक्लॉकिंग के लिए होता है। तो जो भाई मेरे से पूछते हो एडिटिंग के लिए, तो मेरे भैया जी 99% वीडियो एडिटर जो अपने कंप्यूटर को ओवरक्लॉक नहीं करता है, मैं खुद नहीं करता हूँ क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ेगा। ओवरक्लॉक करने में वोल्टेज बढ़ाओगे, बहुत सारे तामझाम होता है, एक बार में जो आपका कंप्यूटर कभी भी स्टेबल होकर चलेगा ही नहीं। जैसे आप वोल्टेज बढ़ाओगे तो प्रोसेसर का भी वोल्टेज बढ़ाना पड़ेगा, ग्राफिक कार्ड का भी वोल्टेज बढ़ाना पड़ेगा, रैम का भी बढ़ाना पड़ेगा। किसी भी वीडियो एडिटर भाई के पास में इतना टाइम नहीं होता है कि आप इतना ज़्यादा लंबा चौड़ा छरखानी करो, क्या ओवरक्लॉक करो, ये करो। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरा वीडियो आप सभी भाइयों का पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक दोस्तों देखते रहिए, सीखते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तो बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं दूसरे ट्यूटोरियल में।